नमस्कार, मैं हूं संजय। जी हाँ, हाजीपुर के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर में से एक है दिघी ग्राम स्थित। ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, हाजीपुर पटना जाने का जो रास्ता है, तो बुगना धर्मकांटा के ठीक उत्तर अपोजिट में जो रास्ता आया है, वहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में अवस्थित है यह स्वर्ण माणिक तालाब अर्थात सुन चिरैया पोखर। इस पोखर के महात्म के बारे में मैं आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। पहले मैं बता दूं कि इस पोखर में स्नान करने का बड़ा महत्व है। मलमास के अवसर पर अधिक मास में इस पोखर में स्नान करने का महत्व को लेकर, जैसे कहते हैं ना कि राजगीर में स्नान करने का महत्व है, तो उसी महात्म को जोड़कर इस स्वर्णमानिक तालाब अर्थात सुन चिरैया पोखर का है। इसके बारे में भी मैं कथा बताऊंगा। पहले मैं दिखा दूं कि कितना लंबा चौड़ा यह पोखर है। ये आधुनिक स्वरूप में आज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बहुत लंबा चौड़ा तालाब है और यहां पे लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके बारे में वो क्या जानते हैं। और पहले मैं ये दृश्य पूरा दिखा दूँ आपको। तो आपने देखा कि ये कितना लंबा चौड़ा है, उसमें तालाब है और लोग स्नान भी करते हैं। यहाँ पे छठ भी होता है। जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं, जो व्रती हैं, वो छठ भी करती हैं। यहाँ पे मेला भी लगने की परंपरा रही है, जैसे कि जनश्रुति है। तो हम आगे भी इसके कथा के बारे में बताएंगे। यह अद्भुत विरासत है हाजीपुर के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र की जननी वैशाली और उसका जिला मुख्यालय हाजीपुर, हाजीपुर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरित है। यहाँ पे कई पौराणिक स्थल हैं, जैसे कुन्हाला घाट का आपने नाम सुना होगा, फिर आपको रामभद्र में रामचौरा है, फिर आपको और भी कई स्थल है, उसमें से यह है सुन चिरैया पोखर। तो इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 450 वर्ष पूर्व, लगभग सन 1533 ईस्वी में भक्तिकालीन गुरु बल्लवाचार्य उर्फ महाप्रभु जी का आगमन हाजीपुर शहर में इसी सोन चिरैया पोखर के समीप हुआ था तथा प्रवचन देने के क्रम में कुछ दिन बिताए थे यहाँ पर। और इस बात से ऐसा लगता है कि यह पोखर बल्लवाचार्य जी के आगमन के पूर्व से ही रहा होगा, तभी तो यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। और इस पोखर के बारे में एक कवि की उक्ति है कि उसके सोन चिरैया पोखर की है कथा निराली, अधिक मास में जिसकी डुबकी पाप नाशने वाली। जी हाँ, तो अधिक मास में, मलमास में यहाँ पे डुबकी लगाने का अपना एक महत्व है। और इस ऐतिहासिक पोखर को लेकर एक कथा भी है कि एक बार शिवरात्रि के दिन एक चिड़िया श्री हरिहर नाथ जी का प्रसाद खाकर उड़ती हुई जा रही थी कि उसे प्यास लगी। उसकी दृष्टि इस पोखर पर पड़ी और ज्यों ही वह इस पोखर में पानी पीने के लिए आना चाहिए कि उसमें गिर पड़ी। जब पानी से ऊपर निकली तो उसका शरीर सोने के रंग जैसा हो गया। उस समय पोखर में स्नान करने वाले व्यक्तियों की दृष्टि इस चिड़िया पर पड़ी और आह्लादित स्वर में उसे सोन चिरैया कहकर चित्कार करने लगे। इस घटना के बाद उस पोखर का भी नाम सोन चिरैया पोखर रख दिया गया। इस पोखर के विख्यात होने के पीछे एक रोचक कथा और भी है। एक बार एक अंधा व्यक्ति घूमते घूमते इसी पोखर के समीप पहुंचा और श्री महाप्रभु जी से सविनय पूर्वक पूछा कि महाराज जी, मलमास में दो तीन दिन ही शेष है, राजगिरी स्नान करने के लिए जा सकूंगा। श्री महाप्रभु जी अपने प्रवचन के क्रम में उत्तर दिया कि इस सोन चिरैया पोखर में स्नान करने मात्र से राजगिरी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो यह बात सुनते ही अंधा व्यक्ति ने वैसा ही किया। फलस्वरूप तुरंत उसकी आंखों में ज्योति आ गई। वह अपने सुंदर नैनों से इस संसार को देखने लगा। इस दोनों घटना के पश्चात यह पोखर ऐतिहासिक पोखर के रूप में माना जाने लगा। श्री बल्लवाचार्य जी ने स्थानीय लोगों को प्रवचन देने के क्रम में कहा कि सोन चिरैया पोखर में लगातार तीन दिन तक स्नान करने मात्र से मलमास में राजगीर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तब से इस कथन का अनुपालन स्थानीय लोगों के द्वारा होने लगा और विख्यात होता गया। श्रद्धालु मलमास में इस ऐतिहासिक पोखर में स्नान करने के लिए आने लगे। यह पोखर आरंभ के दिनों में सामान्य अवस्था में था, जिसे स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रशासन की मदद से सौंदर्यीकृत कर दिया गया है और अभी जिस हालत में है
और भी इसको सौंदर्यीकृत करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई पड़ रहा है ये पोखर, और मैं आपको बताऊं कि इस पोखर से सटे महाप्रभु जी की बैठ पद चिन्ह बना हुआ है। मलमास में इस पोखर में स्नानार्थियों की भीड़ हो जाती है। कुछ ग्रामीण इसके बारे में बतलाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, तो ये महाप्रभु जी की बैठक होती थी यहाँ पे, और उनके चरण हैं। चरण को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चरण है महाप्रभु जी की, और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है ग्रामीणों के द्वारा। और यहाँ पे स्नान करने के उपरांत कोणारा घाट स्नान के लिए श्रद्धालु जाते हैं। तो इस तरह से यह ऐतिहासिक पोखर है, और इसके जहाँ तक बात है कि इस पोखर के पूर्व दिशा में जो एशिया का प्रसिद्ध है औद्योगिक क्षेत्र वह है, और पूरब में, और फिर गांधी सेतु जो जाने का जो मार्ग है रामाशीष चौक से, उससे रास्ते से आगे बढ़ने पर समझता हूँ कि हाफ किलोमीटर या एक किलोमीटर के बीच में ही होगा, और धर्मकांटा बुबना धर्मकांटा है उससे उत्तर में यह पोखर अवस्थित है। तो हाजीपुर पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर पासवान चौक से सटे तो ये सुन चिड़ैया पोखर ऐतिहासिक रमणीक होने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सदियों तक याद किया जाता रहेगा। और इस पोखर को मैंने आपको दिखाया, इस पोखर के बारे में एक दैनिक अखबार प्रभात खबर में 2005-06 में शीर्षक से एक इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरित सुन चिड़ैया पोखर, उस समय मेरा एक आलेख प्रकाशित हुआ था। तो मैं इस ऐतिहासिक पोखर के समीप आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाजीपुर में एक से एक पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें से एक है यह सोन चिड़ैया पोखर। अब हम आपको कुछ लोगों से बातचीत के अंश भी दिखाएंगे और बताएंगे कि उनके मन के जो उद्गार हैं, उनकी जो भावना है वह किस तरह से है, और क्या कहते हैं। यह हमारे साथ में है राजद के नेता हैं राजकिशोर राय उर्फ राय जी, और युवा नेता हैं। ये क्या कहते हैं, क्योंकि इनका जो घर है, मैं आपको बता दूं इस पोखर के सामने ठीक सामने पूर्व MLC विष्णुदेव राय जो राजद के कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं उनका मकान है। तो उनके छोटे भाई हैं राजकिशोर राय जी, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो इस पोखर के बारे में क्या जानते हैं। जी राजकिशोर राय जी, इस पोखर के बारे में। सोन चिड़ैया मालिक तालाब पोखर है, ये खाना आया हुआ नहीं है, अपूर्व खाना भगवान का लीला है। एक आंधा आंधी जा रही थी, वो उसका बेटा यहीं छोड़ दिया, हाय राजगीर करने लगा। यहाँ मेला भी लगता है? हाँ, वही ना बता रहे हैं। अच्छा, अनरार जी के छोड़ दिया तो हाय राजगीर कर रहा था, तो भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए, आप कुछ खा रहे, पोखर हो गया, पानी छूट गया, बूढ़ा बूढ़िया धोया पानी से, एकदम कंचन हो गया। फिर 18 तारीख से राजगीर मेला लगता है, उस समय से यहाँ भी सवा महीना झंडी का रहता है, मेला लगता है यहाँ भी, मतलब बरसों से मेला लग रहा है। बरसों से। अच्छा, बहुत बरसों। तो जैसा कि इनका कहना है कि बरसों से यहाँ मेला भी लगता है इस पोखर में, मैंने आपको बताया भी था, और एक अंधा अंधी की कहानी इन्होंने सुनाई जो पौराणिक कथा है, यह भी जानते हैं, और जैसा कि आपने सुना और देखा। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि यह जो स्वर्ण मानिक तालाब उर्फ सोन चिड़ैया पोखर है, इतिहास के पन्नों में इसका नाम भी स्वर्ण अक्षरित है। जी हाँ, और हाजीपुर ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे आप बुबना धर्मकांटा से महज हाफ किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में आने वाली सड़क से इस पोखर तक पहुँच के मलमास में इस पोखर में स्नान करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कड़ी में बस इतना ही, फिर किसी और सांस्कृतिक धरोहर से अब आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल।
और दीजिए संजय को इजाजत। नमस्कार।